हेलो स्टूडेंट्स, लेसन चल रहा है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आपके लिए पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करा दिया गया है। अब ये नेक्स्ट आगे के लिए कराते हैं। लेसन है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। जो विद्यार्थी कक्षा 12 में इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में अपीयर होंगे, उनके लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी और जो भी उनके पास सब्जेक्ट हैं कंप्लीट करा दिया गया है। और जिनका कुछ टॉपिक रह गए वो भी करा दिए जाएंगे और ये उनका पुनः रिवीजन चल रहा है। अच्छा, कमांड करने के लिए तो इसमें क्वेश्चन है हमारा, सीसीपी जालक की संकलन क्षमता की गणना कीजिए। प्रश्न है सीसीपी जालक की संकलन क्षमता गणना कीजिए। तो ये आपका रिवीजन चल रहा है, तो इसमें देखेंगे ध्यान से, ये सीसीपी जालक या एफसीसी एक ही बात है, सीसीपी या एफसीसी, सीसीपी बोले या एफसीसी। तो इसके लिए एफसीसी का या सीसीपी, इसका हमने स्ट्रक्चर बनवाया था और तुम्हें ये भी बताया था कि इसमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है, तो उसी के लिए पुनः देख लें। फिर उसके बाद में आगे के लिए करते हैं। एफसीसी में फेस, एफसीसी जो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसमें फलक पर अर्थात फेस पर कण उपस्थित होते हैं। कोणों पर, आठ कोणों पर, तो प्रत्येक एक प्रत्येक कोष्ठका में, प्रत्येक सेल में उपस्थित होते हैं, इसमें भी उपस्थित होंगे। तो आठ कोणों पर, आठ कोणों पर उपस्थित, और एफसीसी में इससे पहले बीसीसी कराया था तो बीसीसी में केंद्र में उपस्थित था, और एफसीसी में फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो इसके फलक पर उपस्थित होते हैं। राइट साइड, लेफ्ट साइड, और ये होता है फलक पर, और एक बैक, बैक में, और ये फ्रंट, फ्रंट पर। तो ये बताया था इस तरह से उपस्थित होते हैं। तो संकलन क्षमता ज्ञात करना है, तो संकलन क्षमता हमने बताया था, संकलन क्षमता किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों के द्वारा उस क्रिस्टल जालक का जितना आयतन घिरता है वो उसकी संकलन क्षमता कहलाता है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये कणों के द्वारा कितना आयतन इसमें घिरता है, तो जो फलक पर कण उपस्थित है तो उसके लिए इस प्रकार लेंगे जो है उसके बोर के में पास आउट होता हुआ जाए, वो देखें कि हम ये कितना है। तो इसके लिए मान लिया जैसे ए बी सी नेम, अब इसके लिए मैं यहां बना लेता हूं और ज्यादा सही समझ में आएगा, तो मैं बताऊंगा कि इसमें कणों की व्यवस्था किस प्रकार है। तो ये है ए
और बी और ये सी। तो कोने पर कण है, ये है फलक पर, ये है। तो इसमें देखेंगे ये तो ए, इसकी जो भुजा होती है ये तो ए होती है, तो ए भी हमें निकालना है पहले। तो ए बी का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय है, ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए सी हमारा कितना है, ए ए का वर्ग, और बी सी ये ए का वर्ग, तो ये टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर इजिकल टू टू ए स्क्वायर, तो ए बी इजिकल टू हो जाएगा रूट टू ए। और ए बी बराबर इसमें और देखेंगे, ये इसमें कणों की संख्या किस प्रकार व्यवस्थित होती है, इस तरह से इसमें कणों की संख्या व्यवस्थित होती है। तो ये हमें यहाँ से रेडियस मिल जाएगा कि इसमें आर कितना है, एक आर, दो आर, तीन आर, चार आर। तो एंड या एवं एवं ए बी इजिकल टू फोर आर, तो चार आर भी होता है। तो यहाँ से अब हम ए का मान मिल जाएगा हमें रूट ए इजिकल टू फोर आर, रूट ए इसको इसके बराबर रख देंगे, रूट ए इजिकल टू फोर आर। तो ए इजिकल टू फोर बाय रूट टू आर। तो इसके लिए चाहे हल कर लो फोर बाय रूट टू। तो इसके लिए हल करेंगे तो रूट टू, जैसे टू है ये टू, फोर है ये फोर फोर। तो इस फोर के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ टू और ये रूट टू, फोर के लिए रूट टू, रूट टू टू हो गया और ये टू, टू टू जा फोर, तो ये रूट टू। तो रूट टू रूट टू, तो ये इजिकल टू टू रूट टू आ जाएगा। तो ऐसा हल करें तो ये टू रूट टू आर। अब इसमें पूछ रहा है संकलन क्षमता, हम संकलन क्षमता का इसमें फार्मूला लगा देंगे। संकलन क्षमता इजिकल टू फार्मूला होता है तो हम वाले में प्रभावी कणों की संख्या, कणों की संख्या और एक कण का आयतन, तो फोर बाई थ्री पाए आर एस आर क्यू बाय ए क्यू इंटू हंड्रेड होता है इसका फार्मूला, तुम्हें याद है पहले से। तो इसमें प्रभावी कणों की संख्या क्या है, आठ तो कण कोने पर होते हैं, ये तुम्हें पता है, ये हमने बता दिया आठ कण कोने पर होते हैं, और एक कण का वन बाई एट भाग इसमें सहभाजित होता है, और इसमें फलक पर है छह कण, उसका जो है वन बाई टू आधा भाग योगदान देता है, वन बाई टू। तो ये एट बन जा एट और टू थ्री जा सिक्स, वन बन जा वन प्लस थ्री, तो ये क्या हो जाएगा फोर। तो हमने देखा कि इसमें प्रभावी कणों की संख्या जेड इजिकल टू फोर होता है, तो प्रभावी कण होते हैं इसमें फोर। देखते हैं आगे, तो प्रभावी कण जेड इजिकल टू है इसमें फोर, तो यहाँ मान रख देंगे फोर इंटू फोर बाय थ्री बाय आर क्यू, और ए का मान
ए का मान ये आया है हमारा 2√2 आर इंटू 100। अब इसके लिए देखते हैं, अब इसके लिए 4 4 16 3 पाई आर की बाय, अब इसके लिए हल करेंगे तो ये आ जाएगा 16√2 आर क्यू इंटू 100। तो ये कैसे आएगा 16√2, तुम बता दें। 2 के लिए 3 बार और √2 के लिए 3 बार, तो 2 2 2 2 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16 √2 √2 √2 √2 आ जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद आगे देखेंगे, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये पाई का मान होता है 22/7 22, तो ये 22 हो गया, ये 16√2 और ये 100 ऊपर बन जाएगा। चलिए अब ये 16 से तो 16 कैंसिल हो जाएगा और ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2200, 22 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2200 और ये 37 21 और √2 का मान होता है √2 = 1.41, ये याद रखेंगे 41, तो ये into 1.41। तो इसकी ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइडेशन कर देंगे इसका, और डिवाइडेशन करने के बाद में फिर इसका आंसर आ जाएगा 74%। ये कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे इसे। तो हमने करा सीसीपी जालक की संघनन क्षमता की गणना कीजिए, तो सीसीपी या एफसीसी एक ही बात है। तो हमने सीसीपी या एफसीसी, तो इसका हमने एफसीसी का स्ट्रक्चर बनाया और हमें ये पहले से ही ज्ञात है, यू नो दैट, हम जानते हैं कि इसमें जेड इजिकल टू प्रभावी कणों की संख्या जो है 4 होती है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया अभी। तो हमने इसके लिए लिया है यहाँ और जो कण दिखाई कि इसमें किस तरह से व्यवस्थित है, और फिर ये ए बी का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से ये हमें कर लिया और ये ए का मान आ गया, संकलन क्षमता का फार्मूला लगाया, तो ये गुणा भाग की और ये 74% आंसर हमारा आ गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2020 के यूपी बोर्ड परीक्षा में आया है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में आया होगा। तो जो लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।